राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की हम वीडियो में बात करने वाले 2021 में होने वाली आर्मी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 2021 में जितनी भी आपकी सेना की भर्ती रैलियाँ होने वाली हैं, फिर जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उन भर्ती में आपको एज में आपको जो छूट है वो देखने को मिल रही है नहीं मिल रही है, पूरी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब की बार जो 2020 में आपकी जो सेना की भर्तियाँ रैलियाँ होने वाली थी, जो आपके जो नोटिफिकेशन है यानी कि कोरोना के कारण नहीं हो पाई हैं, 2021 में उन भर्तियों को छूट मिल रही है नहीं मिल रही है, पूरी जानकारी दोस्तों इस भर्ती से जुड़े आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में आज की बात करने वाले 2021 में एज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपको बता दें करंट हाल ही में जो आपका हरियाणा के रोहतक की जो सेना की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें पहले आपको बता दें कि 2020 में जो आपकी सेना की भर्ती ये होने वाली थी, पर कोरोना के कारण दोस्तों जो आपकी भर्ती ये नहीं हो पाई। इसमें एज की गणना की अगर हम बात करें दोस्तों, आपको कोई भी छूट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि पहले जनरल ड्यूटी की जो आपकी एज कट ऑफ यहाँ पर बताई गई थी कि जनरल ड्यूटी की आपकी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जो एज की गणना थी वो की गई थी, परंतु अब दोस्तों आपको एज में कोई भी छूट यहाँ पर सेना के द्वारा नहीं दी गई है। और आपको दूसरी कलर की अगर ट्रेडमैन इन सभी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी सेम टू सेम आपका जो प्रोसेस है, यहाँ पे 1 अक्टूबर 1997 आपने यहाँ पे देखा होगा और फॉर्म अप्लाई किया होगा, परंतु आपको बता दें कि अब की बात दोस्तों कोरोना के कारण आपको कोई भी छूट यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। बता दें दोस्तों कि सेना ने मतलब कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिली है किसी भी भर्ती को दोस्तों। जितने भी आपके नोटिफिकेशन सेना के द्वारा जारी किए जा रहे हैं दोस्तों, आपके जो नोटिफिकेशन है नए सिरे से यानी कि 2021 के थ्रू जो आपकी भर्तियाँ होगी उसी के थ्रू जो आपके नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं, उसी के हिसाब से दोस्तों जो आपकी एज कट ऑफ आपकी बार जारी किए गए। अगर आप भी सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बता दूँ दोस्तों एज इलेक्शन में अब की बार कोई भी छूट किसी भी कैंडिडेट को नहीं देखने को मिलने वाली है। बस आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको बतानी थी। आशा करेंगे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।